हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआईवाई विद खुशबू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्लांटर शेयर करने वाली हूँ। मतलब मैं तीन तरह के प्लांटर शेयर करूँगी जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं और अंडर 100 रुपीज़ ये तीनों प्लांटर्स बन चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत आपकी बालकनी को एकदम चार चांद लगा देंगे। तो चलिए इसे फिर बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ये पेंट का डब्बा है उसको लिया है बिल्कुल वेस्ट, और ये मैंने एक कॉटन रोप है जो बहुत ही ईजिली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा वो लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको ये जो डब्बे हैं ना इसके ऊपर इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव जो हो ना, जैसे फेबी बॉन्ड होता है तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसे हम इसको मतलब स्टिक करेंगे। और ये जो रोप है ना इसको धीरे धीरे नीचे में हम पूरे अच्छी तरह से स्टिक करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही निकले ना। तो इस तरह से स्टिक करते हुए इसको हम करेंगे और इसको चारों तरफ से बिल्कुल स्टिक कर लेना है और हॉट ग्लू गन लगाते हुए चाहे आपके पास चारों तरफ से पूरे डब्बे में धीरे धीरे करके और बिल्कुल आराम से करना है और इसको स्टिक करना है ताकि जो इसके जो अंदर के जो एजेस है ना वो बिल्कुल दिखे नहीं, और एकदम सटा सटा के करना है, एकदम नज़दीक नज़दीक, जिससे कि वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से करते हुए मैंने इसको चारों तरफ से पहले घुमाते हुए कर लूँगी। ये जो प्लांटर्स है आपके बालकनी में देखने में इतने खूबसूरत लगेंगे ना, और बहुत ही कम बजट में है। आप चाहे तो इसे जूट रोप मिलता जो है ना उसकी उससे भी बना सकते हो, चाहे इस तरह के आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से इसका एंड ख़त्म हो गया और यहाँ मैंने बहुत अच्छे से तक ग्लू लगाना है ताकि वो पूरा निकल ना जाए। तो इस तरह से लगाते हुए मैं इसको एंड को ख़त्म कर लूँगी और देख सकते हैं ये किस तरह का बेकार सा डब्बा जो हमारे घर में पड़ा हुआ था उसका मैंने ये बनाया है प्लांटर। तो देखिए ये है डेकोपाच ट्रांसफ़र शीट। ये काफ़ी अमेज़ोन पे, मेशो पे, इट्जी बिट्जी पे आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इसको ना आप कट कर लीजिए और इसमें एक स्टिकर लगा रहता है जिसे निकालना है। देखिए ये निकालना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो निकलता नहीं रहता है। तो इसे निकाल के और इस पर हम स्टिक करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा ग्लू गन होता है जो इसमें स्टिक हो जाता है, जिसको अच्छे से पुश करके और अच्छे से इसको दाब देना है ताकि वो उसके अंदर चिपक जाए। और कोई भी गीले स्पंज की हेल्प से ना इसको डैप 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 करके हम इसको बहुत अच्छे तरह से गीला कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल उसमें चिपक जाए, और बिल्कुल हल्के हाथों से और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा से चिपक गया है। ये काफ़ी ट्रांसफ़र शीट अच्छे होते हैं। इसमें मैं कुछ और फ्लावर्स ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत खाली खाली सा लग रहा है, और कुछ बर्ड्स, तो ये इस बर्ड्स को भी डैपिंग की मदद से और डैप कर देंगे और फिर इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से चिपक गया है। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे थोड़े कुछ फ्लावर्स भी हैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी, और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से दाब देना है इसको। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसके पास ये इसके बाद ये मेरे पास ये डेकोर वार्निश है। ये अप्लाई करने से क्या होता है ना, ये जो हमने स्टिकर जो स्टिक किए हैं ना वो अच्छे से सील हो जाता है, तो वो जल्दी निकलता नहीं और उसके कलर्स वगैरह भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसको इस तरह से स्टिक कर लिया। अब मेरे पास एक वुलन है, इसका कुछ मैं पॉम पॉम बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पर और इस तरह से 10-20 बार आप लपेटते रहिए और फिर उसके बाद इसके अंदर निकाल के और इस तरह से गांठन इसमें कर लेना है। गांठन करने के बाद इसको फिर हम कट करेंगे। तो छोटे छोटे से पॉम पॉम्स बना लेने हैं जिससे कि जो हमारा प्लांटर है देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे पॉम पॉम्स थोड़े से बना लेने हैं जिससे कि मैं उसमें उसको स्टिक करूँगी। तो इस तरह से करने के बाद इसको थोड़ा सा कट भी करना है और इसको राउंड शेप में बनाना है, तो इसको कट करके हम पूरा गोल करके कट कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियोस थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन साथ साथ दबाते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे एक ऑल का बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जा सके और आप लोग मेरी वीडियोस देख सके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊं। तो इस तरह से देखिए, मैंने बहुत सारे पॉम्पॉम्स रेडी कर लिए हैं जो देखने में काफ़ी कलरफुल भी लग रहे हैं। आप भी कुछ नया ट्राई ज़रूर करते रहिए और अपने घर को एक बहुत ही फंक्शनल वे में बहुत ही खूबसूरत बना के रखिए। से सारे पॉम्पॉम्स रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल से पॉम्पॉम्स। तो इसको मैं इस तरह से चारों तरफ से स्टिक कर लूंगी। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही क्यूट सा प्लांटर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट प्लांटर के लिए अगेन मैंने ये एक डिब्बा लिया है और इसमें मैं ना ये इस तरह से तीन रोप स्टिक कर लूँगी और इसके बाद एक हम चोटी जो बनाते हैं ना, चोटी की तरह इसको हमको बना के और स्टिक कर लेना। इसी तरह से हम दूसरी चोटी भी बनाएंगे और उसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से, और इसको सटा सटा के ही स्टिक करना है। फ्रेंड्स, आदमी गलतियों से ही कुछ सीखता है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक गलती कर दिया कि मैं इसको ना थोड़ा सा पहले अगर कलर कर देती तो वो थोड़ा सा देखने को अच्छा लगता, लेकिन मैंने ये मिस्टेक कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से मैंने चार पांच चोटी बना ली और उसके बाद चार पांच पतले पतले स्ट्रिप्स लगा के और इनको मैं स्टिक कर दूंगी। इसी तरह से पूरा हमको ये डब्बा जो है फिल कर देना है। फ्रेंड्स, मैं बनाना कुछ और चाहती थी पर बन गया ये कुछ और, लेकिन तो भी बहुत ही खूबसूरत ये प्लांटर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा फिल कर दिया है मैंने। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसके शेप में मैंने इसको कट कर दिया है और इसको स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो इसके बाद जो थर्ड प्लांटर होने वाला है ना, वो बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है, तो आप उसको स्किप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से एक पतला सा जो है ना लाइनिंग मुझे ऊपर और नीचे दोनों से लगा लेना है ताकि ये थोड़ा सा दिखने में और ही फंक्शनल लगे, थोड़ा अच्छा लगे देखने को। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से इसको स्टिक कर लेने वाली हूँ। तो अगर आप जब भी इस प्लांटर को बनाएं ना, तो अंदर वाइट कलर से इसको थोड़ा सा कलर कर लीजिए, थोड़े बहुत जो एजेस दिख रहे हैं वो बिल्कुल ना दिखें। थर्ड प्लांटर के लिए ये देख सकते हैं, ये पुरानी बकेट है और इसकी कंडीशन अगर आप देखेंगे ना, तो देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी बुरी कंडीशन में मैं इसका कैसे करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन थी। तो इसको आपको जितना बड़ा प्लांटर क्रिएट करना है, उतना बड़ा इसको आपको कट कर लेना है। तो मैं इसको कट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, तो इसे मैं चाकू को गर्म करके और फिर कट कर लेके आती हूँ। इस तरह से चाकू को गर्म करके और फिर कट कर लेना। उसके बाद मेरे पास कार्डबोर्ड मैंने लिया है और इसको यहाँ जहाँ टूटा है ना, वहाँ पे हमें इसको सेलो टेप की हेल्प से या किसी चीज़ की हेल्प से इसको स्टिक कर लूँगी। और स्टिक करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, इसके चारों ओर भी थोड़ा सा अगर आपके पास टेप है ना, तो उसे टेप की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर लूँगी ताकि थोड़े जो चाकू के काटने की वजह से एजेस निकल के वो थोड़े से चुभे ना। तो इसको मैंने स्टिक कर लिया है चारों तरफ से भी सेलो टेप की हेल्प से। उसके बाद ना मैंने अगेन, आपके पास जूट रोप है तो आप जूट रोप ही ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये वाइट रोप था तो मुझे वाइट करना भी था, तो ये मैंने वाइट रोप लिया है और इसकी हेल्प से मैं चारों तरफ से इसको स्टिक करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बुरी हालत में ये जो मतलब बकेट है वो है,
और इसको मैं एक नया लुक देने वाली हूँ। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है ना पुरानी चीज़, उसको फेंकने से पहले आप सोच सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से रीयूज़ करूँ और किस तरह से इसको बिल्कुल नया बनाऊँ। तो इसके लिए आप भी अगर घर को सजाने के शौकीन हैं तो आप भी कुछ नया ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बाजार से महंगे महंगे चीज़ें खरीद लाके ही हम घर को सजा सकते हैं। कुछ पुरानी चीज़ों को भी रीयूज़ करके, रिवैम्प करके हम अपने घर को बहुत गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो आपके पास अगर ये फेविकॉल है तो फेविकॉल, मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा फेविकॉल भी यूज़ किया, मेरा ग्लूगन ख़त्म हो गया था तो मैंने फेविकॉल भी यूज़ किया। तो इस तरह से चारों ओर इसको लपेट लेना है और बिल्कुल अच्छे से सटा सटा के ही लपेटना है। तो देख सकते हैं मैं इसको चारों ओर लपेट लूँगी। तो ये चारों तरफ से मैंने इसको लपेट लिया है। इसके बाद मेरे पास ये शॉपिंग बैग था तो इसके अंदर ये दिखने में काफ़ी बुरा लग रहा था, तो इस शॉपिंग बैग को मैंने कट करके और थोड़ा सा मैंने पहले छोड़ दिया था ऊपर में, तो यहाँ ऊपर से मैं इसको इस तरह से मतलब थोड़ा सा चिपका लूँगी, स्टिक कर लूँगी, जिससे कि अंदर ना वो बहुत गंदा दिख रहा था तो वो दिखे ना, तो ये चिपक गया है। और उसके बाद अगेन मेरे पास ये ब्लू कलर का एक रोप था, इसको थोड़ा, ये प्लास्टिक का नायलॉन रोप है तो इसको ना मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही चिपका रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिपके, क्योंकि कॉटन रोप जल्दी चिपक जाते हैं। उसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड कट कर लिया है, उसके बाद कार्डबोर्ड से मैंने एक पैटर्न बना लिया और उस पैटर्न को ना मैंने कलर करूँगी थोड़ा सा। और इसमें ना थोड़ा सा आप पानी या मीडियम मिक्स करके कलर को थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि ये कलर काफ़ी सोप करता है। तो ये देखिए, तो ये जितने भी पैटर्न हैं ना उनको मैं कलर कर लूँगी। तो इस तरह से कलर करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा प्लांटर रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।